ऑलराइट, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे, जिसमें दो प्लांट वेराइटीज होती हैं, एक के पास जूसी टोमेटो था, एक डिजीज रेजिस्टेंट था। हमें ऐसा टोमेटो बनाना था जो जूसी भी हो और डिजीज रेजिस्टेंट भी हो। तो इसके लिए हमने दो प्लांट्स को उठाया था और उन दोनों के बीच में एक का पॉलन ग्रेन दूसरे के ऊपर रखा था। इससे इसके अंदर हमने क्या किया, हाइब्रिडाइज करा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इस टेक्निक को बोलते हैं। तो हमने बोला क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, अगर तुम उससे पहले वाला क्वेश्चन देखोगे तो उसमें दो पॉइंट थे कि हम क्रॉप्स को बेटर कैसे कर सकते हैं, क्रॉप्स की वैरायटी को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन था। तो क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव करने के दो तरीके थे, एक था हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा हमने बोला था इंट्रोड्यूसिंग अ जीन या मेकिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब ये दो चीज़ों में फ़र्क क्या है, हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या था। हाइब्रिडाइजेशन था जिसमें एक दो प्लांट्स के वैरायटीज को मिक्स किया गया था। अब हम बात करते हैं व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। हाँ हाँ, तो उसमें लिखेंगे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट फॉर एग्जांपल इंटर वेराइटल, इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनेरिक, यानी हम इनकी क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये लिखा है सबने, एप्लीकेशन में लिखेंगे इट इज यूज्ड इन इंप्रूविंग दी क्रॉप वैरायटी। ठीक है, होमवर्क कर लिया, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या था? हर्षित, ठीक है। अच्छा, तो अब न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंप्रूविंग क्रॉप वैरायटी। Improving, it is useful in improving crop variety. यहां पे लिखा हुआ है by incorporating desirable characters into the crop. By incorporating, इसके आगे लिखे by incorporating desirable characters into the crop. ठीक है, noted. नेक्स्ट के चले, नेक्स्ट मेथड था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इसका मतलब क्या है, देखेंगे व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होते हैं, तो इसका हम लिखेंगे ऐसे क्रॉप्स, यहाँ से लिखना शुरू करना है हर्षित, ठीक है। व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। तो इट इज़ अ वे ऑफ इम्प्रूविंग, लिखेंगे इट इज़ अ वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन दैट प्रोवाइड डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स रिजल्टिंग इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इसका मतलब वही समझाता हूँ, पहले लिख लेते हैं। जो लिखा है वो सारा लिखो, अंडरलाइन है। बार बार नहीं दूंगा, ये कॉपी में अंदर पेस्ट करके रखना है इसको। Yes, suppose. कोई बात नहीं, कर लिया तो अच्छी बात है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री भी नहीं आ रहा, पूरा है वहाँ। नहीं, एनिमल हस्बेंड्री डिलीटेड होगा, देखो पूरा रहा है। यही तो है नेचुरल रिसोर्स, फूड रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज। एक और चैप्टर भी आ रहा है क्या, यही है, बस यही है। अरे देखिए, एक प्लांट,
देखो पॉइंट इज दिस कि कोई ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो या एनिमल, जैसे स्वयं एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो हमें स्वयं के बारे में मेजॉरिटी चीज़ें पसंद है, ठीक है, पर एक दो चीज़ें नहीं पसंद। जैसे एक मिनट सर, एक मिनट, तो अगर इसका कोई जीन है कि ये एक मिनट बोलना छोड़ दे, तो हम इसके जीन को हटा सकते हैं। क्या करते हैं, इसके डीएनए से वो जीन हटा दे जो हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और वो जीन डाल दे जैसे ये होमवर्क नहीं करता, तो होमवर्क करने का जीन इसके अंदर डाल दे, तो ये जो नया स्वयं बनेगा, ये न्यू इम्प्रूव्ड स्वयं बनेगा। एक तो ये एक मिनट नहीं करता होगा, और दूसरे होमवर्क भी करता होगा। तो पॉइंट इज दिस, ऐसे हम प्लांट्स के साथ भी कर सकते हैं, उनके डीएनए में मैन्युपुलेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैन्युपुलेशन, हम उनके में से जो चीज़ें चाहिए वो रख सकते हैं, और जो चीज़ें नहीं चाहिए वो हटा सकते हैं, और कुछ नई चीज़ें डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो ऐसे हम नए क्रॉप्स बनाते हैं जिसके अंदर हम नए जीन्स डाल देते हैं, वो जीन्स जो हमें चाहिए थे, जो क्वालिटी हमें चाहिए थी, वो इसके अंदर डाल देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या करेंगे मतलब कुछ अजीब चीज़ें तो हम नहीं कर पाएंगे, पर नॉर्मल चीज़ें, ऐसा नहीं है कि राइस को हम वाटरमेलन जैसा बना देंगे, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे। तो राइस में ज़्यादा से ज़्यादा हम डिजीज़ रेजिस्टेंट उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बढ़ा सकते हैं, कि उसके अंदर जो आयरन हो वो ज़्यादा हो, इसके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा हो, तो वो चीज़ें हम इम्प्रूव कर देंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन। क्या इंट्रोड्यूस करके, जीन क्या होता है तुम्हें याद होना चाहिए, सेल के अंदर डीएनए के अंदर होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए पे जीन पाए जाते हैं। तो जीन्स के मॉडिफिकेशन से हम ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये दूसरा वेराइटी, ये दूसरा एग्जाम्पल्स है हाउ टू इम्प्रूव क्रॉप्स। तो दिस इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। बोलो, वो जीन आएगा इसके रिलेटिव से, मतलब ये राइस की वेराइटी है जो हम डोमेस्टिकेट करते हैं, पर ऐसा भी एक राइस है वाइल्ड राइस, वाइल्ड माने जो जंगलों में पाया जाता है ऐसा राइस, तो उसके अंदर से हम वो जीन निकलवा लेंगे, क्योंकि वो बाकी चीज़ों में अच्छा नहीं है, पर उसका एक जीन अच्छा है, तो वो जीन इसमें डाल देंगे। ठीक है, क्लियर। किसमें, क्यों क्यों, इंसान जेब में लेके आए थे क्या राइस को, आया तो वो है तो क्रॉप ही ना, ऑर्गेनिज्म एक और प्लांट ही तो है, वाइल्ड वेराइटीज़ होती हैं सब चीज़ों की, जो गांव में कह रहा हूँ, जो जंगलों में पाई जाती हैं, तो उनमें से कुछ वाइल्ड वेराइटीज़ में कुछ अच्छा मिलता है तो हम उससे निकाल लेते हैं। हाँ बोलो, ठीक है, क्लियर है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस डिपेंड, लिखें, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस डिपेंड, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस डिपेंड, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस डिपेंड, वेदर, सॉइल क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पॉइंट्स हैं वेदर, सॉइल क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हाँ बोलो, कल्टिवेशन, तो तू देखता है कि कहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा है, कहाँ पे कम, वहाँ पे उगाता हूँ। नहीं, कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस डिपेंड, कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस मतलब कि हम कैसे उगाएं उसको, कौन सी टेक्निक यूज़ करें, तो वो क्या नाइट्रोजन दिखती है तुझे, तो नाइट्रोजन है यहाँ पे, नाइट्रोजन ज़्यादा यहाँ उगा लो, नहीं तो तुझे क्या दिखती है, सॉइल, तुझे क्या दिखता है, वेदर, और क्या दिखता है, वाटर है या नहीं। कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस किन तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, वेदर, सॉइल और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, राइट। जहाँ पे पानी ज़्यादा हो वहाँ पे राइस को भिगोएंगे, तो राइस को बहुत वाटर चाहिए होता है। तो ऐसे ही, सिंस वेदर कंडीशन सच इज ड्रॉट एंड फ्लड आर अनप्रेडिक्टेबल, वेराइटीज दैट कैन ग्रो इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आर यूजफुल, वेराइटीज टॉलरेंट टू हाई सॉइल सैलिनिटी हैव बीन डेवलप्ड, सम ऑफ द फैक्टर्स हियर आर, सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर वेराइटी इंप्रूवमेंट इज डन आर। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, ये तीन पॉइंट लिख लिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई
Why tolerant varieties are more useful? Why? Tolerant varieties of crops are more useful. हाँ, why tolerant varieties of crops are more useful? हम कह रहे हैं ऐसी varieties ज़्यादा काम आती हैं जो tolerant होती हैं. जो स्कूल वालों की बातें भी सुन ले, ट्यूशन का भी काम कर ले, टॉलरेट करे. ये नहीं कि मैं नहीं कर रहा, ठीक है. तो टॉलरेटिंग होनी चाहिए क्रॉप्स कि सूखा आए तो झेल ले, बाढ़ आए तो झेल ले, ऐसे क्रॉप्स मिल जाएं तो अच्छी रहता है. तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ या व्हाई इज टॉलरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप मोर यूजफुल, इसका आंसर मैं यहाँ पे ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ. इसको लिखेंगे, सिंस वेदर कंडीशंस आर सच एज ड्रॉट एंड फ्लड आर अनप्रिडिक्टेबल, वेराइटीज़ दैट कैन बी ग्रोन इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस आर यूजफुल. सिमिलरली वेराइटीज टॉलरेंट टू सॉइल सैलिनिटीज हैव बीन डेवलप्ड. मतलब क्या कह रहे हैं कि क्योंकि क्या बाढ़ और सूखा बता के आता है? नहीं, अचानक से आ जाता है. तो इसलिए हमें ऐसे प्लांट चाहिए जो इनको क्या कर सके, टॉलरेट कर सके, तो वो ज़्यादा यूजफुल होता है. ऐसे ही नमक, सॉइल में नमक होता है क्योंकि पानी में नमक होता था तो सॉइल भी पानी इसके बाहर आती है, तो फिर वो जो सॉइल होती है उसमें भी नमक होता है. तो कितना नमक है, नमक का कंटेंट कितना है, वो भी प्लांट्स को टॉलरेशन उसकी भी होनी चाहिए. तो ये दो पॉइंट्स लिख लेते जल्दी से. सारे डिजीज ऐसे रेजिस्टेंट नहीं होते, पर वो महंगे होंगे और वो इतने अच्छे ना हो, क्या पता क्वालिटी में. थोड़ा मैथ्स का टाइम ना चेंज होगा, बताया सर ने, वो TTS 4 to 5 की जगह 5 to 6 हो जाएगा. कोई दिक्कत तो नहीं? सैटरडे से, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी सैटरडे ही होगी उम्मीद है ना. नोट कर लिया? नो सर. तुम्हारा टेस्ट भी तो लेना है जो आज पढ़ाऊंगा, कार्ड टेस्ट. कमिंग सून. टॉप करेगा? चलो आज देखते हैं, आज तेरा रिजल्ट देखेंगे. अच्छा, आईफोन 9 है भी? अच्छा, यस हो गया. ऑलराइट, तो सम ऑफ द फैक्टर फॉर विच वैरायटी इंप्रूवमेंट इज डन. हम प्लांट्स की वैरायटी को क्यों बढ़िया करें? पहला रीजन, ज्यादा खाना मिलेगा. ज़्यादा खाना हम सबको अच्छा लगता है, तो कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा खाना मिल जाए तो बुरा ही है. तो हाइयर यील्ड, हाइयर प्रोडक्टिविटी के लिए हम उसको क्या करेंगे, नई प्लांट की वैरायटी ढूंढेंगे. दूसरा, इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी हो जाए. चावल भी बहुत तरह के आते हैं, कोई बढ़िया चावल मिल जाए तो क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए, है ना. तो पॉइंट इज दिस, बेकिंग क्वालिटी ऑफ वीड, प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस, ठीक है, ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड्स. जैसे पीनट, वीनट में ऑयल कंटेंट होता है तो ज़्यादा ऑयल कंटेंट होगा, वो ज़्यादा अच्छी पीनट होगी, राइट. ठीक है, नेक्स्ट, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस. मतलब जल्द, बायोटिक माने कोई कीड़ा ना लगे, कोई पेस्ट ना लगे,
तो वो बायोटिक रेजिस्टेंस है, और ये बायोटिक माने ड्रॉट्स फ्लड्स उनसे बच के रहे, तो वो कौन सी रेजिस्टेंस होगी, ए बायोटिक रेजिस्टेंस। तो बायोटिक रेजिस्टेंस किससे होती है, डिजीजेस से, इंसेक्ट से, और वॉर्म्स, वॉर्म्स को नीमाटोड्स बोलते हैं। टोबैको मास्क, टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV है ना, अर्थात हाँ। ए बायोटिक स्ट्रेसेस माने ऐसे चीजें, सूखा, नमक ज्यादा होना, वाटर कहीं पे रुक जाना, हीट, कोल्ड और फ्रॉस्ट, इनसे बचने की भी रेजिस्टेंस ज्यादा हो, तो ऐसी प्लांट को बनाएंगे जो बायोटिक रेजिस्टेंस भी दिखाए और एबायोटिक रेजिस्टेंस भी दिखाए। ठीक है, तो ये तुम क्या क्या लिखोगे इसमें, बहुत कुछ लिखना है। अच्छा, तो पहला था हाइयर यील्ड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और क्रॉप पर एकर, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, क्वालिटी कंसिडरेशन में तुम्हें ये लिखना है, बेकिंग क्वालिटी इन वीट, जो ब्लू सेंटर लाइन दे रहा हूँ बस वही लिखना है, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस, ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड्स एटसेट्रा, प्रिजर्विंग क्वालिटी इन फ्रूट्स, ठीक है। सेकेंडली बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, और उसके अंदर ये दो पॉइंट। फिर चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, मतलब अगर फोर पॉइंट, हाँ, अगर जल्द से जल्द मैच्योर हो जाए, आम जल्दी पक जाए तो जल्दी आम की साइकिल आएगी, है ना। तो ऐसे मेच्योरिटी ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन अलाउ फार्मर टू ग्रो मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्रॉप्स, ही नहीं है। ऐसा आम लें जो जल्दी मैच्योर हो जाए, जल्दी पक जाए, तो फार्मर ज़्यादा आम क्या कर पाएगा, बेच पाएगा, बना पाएगा। हाँ, क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स विच फॉर विच वैरायटी इंप्रूवमेंट इज डन, क्वेश्चन लिखें, व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर विच वैरायटी इंप्रूवमेंट इज डन, और इसके पॉइंट बनाए 1, 2, 3, 4। तो वो तो हम फर्टिलाइजर लगा देंगे, वो हमें फर्क नहीं पड़ता, खाना तो अच्छा मिले, ज्यादा मिले। फैक्टर्स फॉर विच क्वालिटी क्रॉप इंप्रूवमेंट इज डन, एक तीना, एक हर्षित नाम से भी बनाना है कार्ड, हर्षित नाम से कार्ड बनाना है, नया ऐड कर दे, और तो सबके पास कार्ड है ना। जल्दी लिखें, एक मिनट नहीं मिलेगा। All right. 1, 2, 3, 4 और पॉइंट्स हैं क्या? नीचे देखते हैं, दो और हैं, ठीक है, पहले एक बार देखते हैं इन्हें। वाइडर अडैप्टेबिलिटी, वाइडर अडैप्टेबिलिटी का मतलब है ऐसी अवेलेबिलिटी जो हर जगह पे रह सके, फॉर एग्जांपल सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं, नॉर्थ इंडिया में भी, ऐसा शुगर केन हो जो साउथ इंडिया में नहीं, नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, हर जगह क्या कर सके, ग्रो कर सके, तो उसकी अडैप्टेबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो, वाइडर अडैप्टेबिलिटी, ठीक है, ये बात समझ में। हाँ, तो ज़्यादातर वेदर कंडीशन में वो ग्रो कर सके, ठीक है, तो ऐसा वाइडर अडैप्टेबिलिटी हो गया। इसके अंदर क्या पॉइंट लिखेंगे, डेवलपिंग वैराइटीज फॉर वाइडर अडैप्टेबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट, तो हम लिखेंगे इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द, हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, बस ये पॉइंट लिखेंगे। दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट नंबर क्या है, 5, हाँ, 6, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टर्स, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टर्स बहुत जरूरी है, इसको तो पूरा लिखना पड़ेगा, इसके पॉइंट और सब पॉइंट्स बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट इज टॉलनेस एंड प्रोफ्यूजनेस, टॉलनेस माने लंबे होने चाहिए, प्रोफ्यूज माने बहुत सारी ब्रांचेस होनी चाहिए, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग फॉर फॉडर क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स कैसे होने चाहिए, लंबे और बहुत सारे ब्रांचेस वाले,
ठीक है, ड्वार्फनेस, सेकेंड इज ड्वार्फनेस इन सीरियल्स, ये 6 पॉइंट के सब पॉइंट्स बनेंगे। पहला पॉइंट आएगा डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर्स, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट यहाँ तक बना लो, फिर आगे पढ़ते हैं जल्दी से। ड्वार्फनेस मतलब सीरियल जो होते चाहिए छोटे होने चाहिए, फॉडर क्रॉप्स बड़े होने चाहिए, फॉडर क्रॉप्स माने जो गाय भैंस चरने वाली हैं, हाँ चारा बनाने वाली हैं, वो लंबे लंबे हों और बहुत सारे ब्रांचेस हों। क्योंकि इस केस में हम चाहते हैं कि उनके लीव्स वगैरह ज़्यादा बने, और इसमें हम चाहते हैं उनके सीड्स पे ज़्यादा फोकस रहे, लीव्स चाहे कम भी हों, ब्रांचेस चाहे कम भी हों, ठीक है। Noted? No, sir. टाइम से क्या लेना देना? जल्दी नेक्स्ट करें। ये कॉपी में लिख रहे हैं सारे ऑनलाइन वाले बच्चे, विश्वास कर रहा हूं मैं तुम लोगों पे। नोट कर लिया? काश मॉडिफाई कर दिया होता इसे। नेक्स्ट। अच्छा, लेसर न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड बाय दीज क्रॉप्स, ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ड्वार्फनेस क्यों होना चाहिए, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। ड्वार्फनेस बिकॉज लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड बाय दीज क्रॉप्स, ठीक है, दस डेवलपिंग वैरायटीज ऑफ डिजायर्ड इकोनॉमिक कैरेक्टर्स हेल्प इन, ये नहीं लिखने की जरूरत। हाँ, ज्यादा ब्रांचेस बनेंगे और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स यूज करेंगे, ठीक है। ड्वार्फनेस इज डिजायर्ड सीरियल सो दैट, लिखें सो दैट less nutrients are used by these crops, so that less nutrients are used by these crops, मतलब cereals छोटे क्यों होने चाहिए, ताकि ये कम nutrient का इस्तेमाल करें और ज्यादा nutrient को stored रखें। ज्यादा nutrient किस में रहे? cereals में। cereal में अगर nutrient ज्यादा रहेंगे तो वो हम खाएंगे तो हमें ज्यादा nutrient मिलेंगे, so that less nutrient is और ये absorbed by these crops, absorbed by these crops, और दूसरी बात इससे soil की nutrients भी कम होंगे, और soil के nutrients कम नहीं होंगे तो soil भी fertile रहेगी, ठीक है। soil के nutrients भी कम use होंगे ना, अगर छोटे बनेंगे तो कम branching, कम leaves बनाएंगे, तो इसमें soil के nutrients बचे भी रहेंगे। तो ये question भी आ सकता है आज कि why is dwarfness in cereals required, तो इसका answer याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तुम्हें याद है हमने बोला था दो तीन टॉपिक्स पढ़ने जाएंगे हम, एक क्वेश्चन था पीछे कि हम इंप्रूव क्रॉप यील्ड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसके तीन पॉइंट थे, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो पॉइंट इज दिस, हमने क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट पढ़ लिया, क्योंकि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में पढ़ा हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट दो तरीके से ला सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, वो अलग बात है जो अभी मैं बोल रहा हूँ। हाउ आर क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट इंक्रीज, तो दो पॉइंट थे, हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। आज हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स से शुरू किया था, फिर हमने बोला कि कौन सी चीजों के लिए तुम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाना चाहोगे, तो उसके बहुत सारे पॉइंट्स थे, या फिर क्रॉप वैरायटी किस वजह से करना चाहोगे। अब हम देख रहे हैं क्रॉप की प्रोडक्शन को मैनेज कैसे करें, क्रॉप की प्रोडक्शन को मैनेज कैसे करें, यानी क्रॉप तुमने क्रॉप को तो अच्छा बना लिया, अब क्रॉप को
मैनेज कैसे करेंगे, क्रॉप कितना प्रोड्यूस करेगा कितना कम करेगा. तो पॉइंट इज दिस, कम डिफरेंट फार्मर्स हैव मोर और लेस लैंड मनी एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. इन शॉर्ट इट इज आइदर मनी और फाइनेंशियल कंडीशन दैट अलाउज फार्मर्स टू टेक अप डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज. वो कह रहे डिफरेंट फार्मर्स हैव मोर और लेस लैंड मनी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल कंडीशन दैट अलाउ फार्मर टू टेक अप डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितना कम कितना एक्सेस है टेक्नोलॉजी का, तुम शहर से पास रहते हो शहर से दूर रहते हो, तो तुम्हारे पास वेरी करेगा कि तुम क्या टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो और क्या तुम नहीं यूज़ करते. तो वो सब चीज़ें डिपेंड करेगी मनी पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे और लैंड के यूज़ पे. कुछ मशीन बहुत बड़ी होंगी और तुम्हारा लैंड ही छोटा हो तो उनका कोई काम नहीं आएगा. तो इस तरीके से दस फार्मर्स परचेजिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट्स डिसाइड द क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस. तो क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिसाइड्स क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस. हाँ, इस तरफ से व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिसाइड्स फार्मर्स परचेजिंग कैपेसिटी. ऐसा लग रहा है सिस्टी पढ़ रहे हैं नहीं. What are the factors that decides farmers' purchasing capacity? Oh, sorry. That decides cropping system and production practices. Decides cropping system and production practices. Yes, decides cropping system and production practices. क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, ये प्लस प्लस ये, इट इज द मनी और द फाइनेंशियल कंडीशंस दैट अलाउ फार्मर्स टू टेक अप डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज. फिर ये फार्मर्स परचेजिंग कैपेसिटी इनपुट डिसाइड्स द क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग. हाँ, ये ऊपर ये रेड वाला पार्ट, एक और दो, वन और टू पॉइंट जल्दी से. दोनों लाइन लेनी है, दो रेड लाइन है ना. एक डन. नो सर. तो अब कितने टाइप की प्रोडक्शन प्रैक्टिस हो सकती है. फर्स्ट टाइप इज नो कॉस्ट प्रोडक्शन, सेकेंड इज लो कॉस्ट प्रोडक्शन और थर्ड इज हाई कॉस्ट प्रोडक्शन. मतलब फार्मर के पास कितना पैसा है, कितनी टेक्नोलॉजी वो यूज करता है, उसके बेसिस पे वो हो सकता है कुछ मशीनें खरीदे ही ना और सिंपल हाथ और बैल और इनकी मैनुअल लेबर से करें. तो दिस इज कॉल्ड नो कॉस्ट प्रोडक्शन. ठीक है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन में थोड़े वो मैकेनिकल टूल्स वगैरह और लाएगा और वो होगा लो कॉस्ट प्रोडक्शन. और अगर वो बहुत बड़ी बड़ी मशीन है, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है, दैट विल बी हाई कॉस्ट प्रोडक्शन. क्लियर है पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट
न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. तो जस्ट एज वी नीड फूड फॉर डेवलपमेंट ग्रोथ एंड वेलबींग, प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ, पता ही था हमें. न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट्स बाय एयर वाटर सॉइल, ये भी पता था कि नहीं पता था. एयर से भी न्यूट्रिएंट आते हैं, वाटर से भी और सॉइल से, ठीक है. दीज आर 16, देयर आर 16 न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स इंक्लूडिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो कि वाटर एंड सॉइल से मिल जाता है, एंड 13 न्यूट्रिएंट्स अदर्स हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के. तो तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन. उसके अलावा हमारे पास 13 और न्यूट्रिएंट्स हैं. टोटल कितने न्यूट्रिएंट्स हैं दैट आर रिक्वायर्ड? 16 न्यूट्रिएंट्स. लिखेंगे व्हाट आर दी, हाउ मेनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर देयर एंड नेम फ्यू ऑफ देम. हाउ मेनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर देयर, नेम फ्यू ऑफ देम. नहीं, वेरी नाइस. अभी टेबल में देखेंगे. हाउ मेनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर देयर, नेम फ्यू ऑफ देम. तो हम बोलेंगे कौन कितने एसेंशियल हैं. 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर देयर एंड फ्यू ऑफ देम आर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन. नेक्स्ट और मैग्नीशियम फॉस्फोरस कितने लिखे, क्लोरीन. हाँ, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर, ये सारे एसेंशियल है, ठीक है, मिटा दें. यस सर, धीरे, मैं यही हूं. अच्छा नेक्स्ट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. 17 न्यूट्रिएंट्स आर यूज इन स्मॉल क्वांटिटी एंड कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. नहीं, ये अलग है. एसेंशियल को छोड़कर 17 ऐसे न्यूट्रिएंट है जो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो लिखे, सॉरी, सेवन सेवन. हाँ, तो व्हाट आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, लिखो. व्हाट आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और इसका आंसर है ये, देयर आर 7 न्यूट्रिएंट्स यूज बाय प्लांट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज. There are 7 nutrients used by plants in small quantities and are called micronutrients. In small quantities and are called micronutrients. 7 nutrients used by plants in small quantities and are therefore called. टोटल न्यूट्रिएंट्स अगर पूछे तो 16 और 7 मिला. नोटेड, मिटा दें. यस सर. नेक्स्ट, होता, ठीक है. चलो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं वो एसेंशियल में सही हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं. तो ये टेबल बनाओ मैक्रो और माइक्रो का. ये पूरा टेबल बनाओ. एयर से कौन से मिलते हैं, वाटर से कौन से मिलते हैं, और सॉइल से कौन से मैक्रो और कौन से. सॉइल में आयरन कैसे आ गया? क्यों सॉइल में आयरन क्यों नहीं हो सकता? उसके आयरन के कंपाउंड्स वगैरह नहीं होते, आयरन ऑक्साइड वगैरह. आयरन ऑक्साइड जंक है, जंक तेरा कहाँ सॉइल में ही गिरेगा ना. जंक लगता है जो आयरन, वो आयरन वैसे थोड़ी रहता है, हार्ड पाउडर बन जाते हैं ना. ऐसे सॉल्ट्स प्रेजेंट, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, आयरन क्लोराइड और इन सब के. करें जल्दी बनाएं. ओके सर. बच्चे चलो, Yeah.
डन सर, टेस्ट की तैयारी शुरू करें। सर एक मिनट रुक जाओ, ठीक करते हैं। ये देखना मैक्रो माइक्रो याद कर लेना।